खेक्सा की मसाले वाली सूखी सब्जी को एक बार जरूर ट्राई करें, सभी को पसंद आएगा। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए खेक्सा का बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें लेना है 250 ग्राम खेक्सा, इसे हमें अच्छे से धो लेना है और अभी हमें इसे कट करना है। हमें इसे थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और थोड़ा मोटा काटना है, हमें इसे बहुत बारीक नहीं काटना है। आगे और पीछे वाले पार्ट को काट कर हटा देना है और अभी हमें इसे बीच से भी कट कर लेना है। और देख सकते हैं इस तरीके से हमें पीसेस कट करना है, बहुत ज़्यादा ना मोटा है ना बहुत ज़्यादा महीन है। इसी तरीके से हमें सारे खेक्से को काट लेना है। जितना सॉफ्ट वाला खेक्सा रहेगा उतना ही इसका रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमें इसी तरीके से सारे खेक्से को काट लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं सारे खेक्सा कट चुका है। तो अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें डाल देना है तेल। हमें 2 चम्मच तेल डालना है, तेल को गरम होने देना है। तेल गरम हो चुका है, आधा चम्मच जीरा डालना है, जीरा को ब्राउन होने देना है। और अभी हमें डाल देना है आधा चम्मच सरसों, काला या पीला कोई भी ले सकते हैं। एक क्रैक्स हो चुका है, 4-5 लहसुन के कलियों को हमें बारीक कट करके डालना है। और अभी हमें डाल देना है एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एक बड़ा साइज़ का लंबा लंबा पतला पतला कटा हुआ प्याज डालना है और अभी हमें इसे चलाते हुए हल्का भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर लेना है और धीमे धीमे हीट पे हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए प्याज को भूनना है। इससे ज़्यादा देर के लिए हमें प्याज को नहीं भूनना है। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज हल्का भुना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुना है, इसका कलर भी नहीं गया है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है कटे हुए खेक्सा को, क्योंकि जब आप खेक्सा के साथ प्याज को भूनिएगा, अगर प्याज को पहले ही ज़्यादा भून दीजिएगा तो प्याज फिर जल जाएगा, इसीलिए हमें इसे हल्का भूनना है। और अभी हमें खेक्से को डालकर इसे 2 मिनट के लिए भूनना है चलाते हुए। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और इसे हमें थोड़े थोड़े देर में चला लेना है। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा खेक्सा का सूखी सब्जी, सभी को पसंद आएगा। कम टाइम कम मेहनत में बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये हल्का भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है मसाले। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काले मिर्च पाउडर। सारे मसाले ना छोटे वाले चम्मच से हैं। और अभी हमें डाल देना है 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, लो हीट पे हमें इसे भूनना है। अभी हमें इसमें नमक डाल देना है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अभी हमें इसे चला लेना है और इसे हमें ढक ढक कर भूनना है। ढक ढक कर भूनने से ये काफ़ी जल्दी पक जाता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। इसे भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 9 से 10 मिनट में ये भून जाता है, अच्छे से पक जाता है। अच्छे से चलाने के बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है। थोड़ी देर बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे हमें चला लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का चेंज हुआ है, अभी ये हल्का भुना है। इसी तरीके से हमें थोड़े थोड़े देर में कढ़ाई का ढक्कन हटाकर चला लेना है। इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वापिस हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है। इसी तरीके से हमें इसे सॉफ्ट होने तक भूनना है, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चलाते रहना है, हमें इसे धीमे धीमे हीट पे ही भूनने देना है।
10 मिनट हो चुका है, तो अभी हमें वापस इसे चला लेना है और इसे चेक कर लेना है कि अच्छे से पका है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो चुका है, ये अच्छे से पक चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसे हमें चला लेना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, काफ़ी हेल्दी खेक्सा की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे रोटी, चावल, पूड़ी, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।